एकोंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकरै इक रंग नाना विध कीनो विस्थारो प्रभ अविनाशी एकंकारो। नाना चरत करे खिन माहे पूर रहो पूरन सब ठाए। नाना विध कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दे साजे नवाजे गुरु सवारे दर्शक सजनों आप सब दे सहयोग असीसा अते सतगुरां दीआं बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। 16वीं अष्टपदी की विचार जारी है। अज असी चौथे पद की विचार करनी है। इस सारी अष्टपदी विच सतगुरु जी वाहिगुरु अकाल पुरख के गुणा का वखाण कर रहे हैं। भावें वह परमेश्वर रूप न रेख न रंग के छुत्रियो गुण ते प्रभ भिन्न उम अपने आप मूल रूप विच कोई भी संसारक गुण का धारनी नहीं है। तिना गुणा तो उपर है उदा कोई रूप रंग रेख पेख नहीं है। पर फिर भी जो दिस है सो तेरा रूप। यह सारा संसार उसे तो ही बनया है। सगल बिथार एक ते पै ते ना सारिया संसार दे वखरे वखरे जीवा जनता विच आप ही विचर रहा है। तो जो कुछ भी असी वेख रहे हैं यह परमेश्वर का ही प्रगट रूप है। इस करके भावें सिमरन लई सानू सतगुरां ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करन दा उपदेश कीता भाव किसी भी बनी हुई वस्तु का असी ध्यान नहीं धरना। असी शब्द द्वारा परमेश्वर का ही ध्यान धरना है। पर सारा संसार जड़ा है उसनों भी वाहिगुरु की खेड समझ के उसकी भी मानता करनी है उसका भी सत्कार करना है। किसी का दिल नहीं दिखाना। सारिया हिरदियां च परमेश्वर का ही निवास है। ऐसी पवित्र सिक्ख्या भी उसके सड़गुण स्वरूप चों सानू प्रतीत हुंदी है अनुभव हुंदी है। तो सतगुरु उस वाहिगुरु के वक्रे वक्रे रूपां रंगां दी महिमा कर रहे हैं। इस पद विच पातशाह फरमाउंदे हन नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकरां इक रंग। जो कुछ भी संसार भी सानू दिसदा है एक छोटे जे किरम तो लैके ते वड्डे वड्डे जानवरां तक हाथी वर्गियां जानवरां तक यह सारा ही उस परमेश्वर की रचना है। और इन्हां सारियां विच ही वह वाहिगुरु आप विचर रहा है। सारियां विच आप है भावें वह छोटा जिहा कीड़ी है तो भावें वह हाथी है। सो ये सारे ही रूप दे हन सारियां रंगां विच आप विचर रहा है। और हरेक जीव का जो आकार है देखण नूं वखरा वखरा है पर उस आकार दे विच उस भेख दे विच एक वाहिगुरु का ही जोत समाई हुई है। तो पातशाह गौड़ी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दा शब्द आया है कि देखो किस तरह वखरिया वखरिया शरीरों में एक परमेश्वर किदा विचरदा। सतगुरु कहते हैं एक महल तू होए अफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो। महल का भाव शरीर है। जो बाणी विच भी शब्द महल आया है उहदा भाव ही शरीर है। गुरु शरीर महला पहला गुरु नानक साहब का शरीर ते अगों महला दूजा गुरु नानक देव गुरु अंगद देव जी दे शरीर प्रवेश कर गए। जो तो है शरीर बदलिया है। तो इत्थे भी महल का भाव शरीर है। जीव हन वखरे वखरे जीवां दे शरीर। तो किसे शरीर विच हे वाहिगुरु तू बड़ा फारा बड़ा वड्डा होके बैठा होया
किसी शरीर विच तू बहुत ही निमाणा जिहा हो के बैठा होया, किसी शरीर विच तू सब कुछ अपने आप विच ही है, कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर ही कैठा। किधरे बड़ा वड्डा राजा प्रतापी राजा बन के सारे उत्ते अपना हुक्म चला रहे हैं, और कितने गरीबड़ा जिहा सा कोई मंगता जिहा बन के किसी गली के कोने किनारे ते बैठा होया है। तो एक पासे तू सारा कुछ लैना चाहता, एक पासे तू सारा कुछ अपने आप नू समझदा, किसे पासे तू ऐसे शरीर विच विचर रहे हैं जिहड़ा बड़ा गरीबड़ा जिहा है। एक मैल तू पंडित बगता, एक मैल खल होता, एक मैल तू सब किच ग्राहज, एक मैल कछु ना लेता। किसे शरीर विच तू बड़ा वड्डा व्याख्यान करता पंडित बन के बोल रहा है, और किसे शरीर विच तू मूर्ख बन के बैठा है जिन्हों कोई समझ ही नहीं। किसे शरीर विच तू सब कुछ ग्राहज, सारा कुछ लैण दा, सारा कुछ खोण दा दी कोशिश विच है। जिहड़े वड्डे वड्डे राजे महाराजे होए, उन्होंने लोगों को जो कुछ भी उन्हों का जोर चलिया खोया, अपने महल भरे, एक महल कछू ना लेता। किधरे तो जोगी सन्यासी बन के विरक्त बन के बैठा भी तेनों कुछ इच्छा ही नहीं है, तू कुछ लेंदा ही नहीं किसी तो। यह सारे का सारा जो खेड है वह परमेश्वर की है। तो बड़े सोहना उदाहरण दे के महाराज कह रहे हैं, काठ की पुत्री कहाँ करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पे करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजियाने। ये जीव सारे दे सारे काठ दियां पुतलियां हन। जिस तरह बाजीगर काठ दियां पुतलियां नूं नचांदा है, किसे कोलों कुछ करवांदा है, किसे कोलों कुछ करवांदा है, इसे तरह ये जीवां कोलों परमेश्वर आप ही सब कुछ करा रहा है। वो खिलाउण वाला ही इन्हां नूं खेडां खेड रहा है। तो जिस तरह का भेख ये बनाता है बाजीगार, उस तरह का ही उसनों हर एक जीव उस तरह का ही काम करता है। सो ये सारे ही रूपां विच रंगां विच रेखां भेखां विच परमेश्वर आप विचर रहा है। नाना विद कीनो विस्थारो, प्रभु बनासी एकंकारो। कितने ढंगां नाल तू अपना विस्थार किया होया, ये जो थोड़ा बहुता ज्ञान मनुख नूं प्राप्त होया, इहदे विच मनुख दी जिहड़ी खोज है वो दोहां पद्धरां ते बहुत ही कमाल दी है। एक मैक्रोकॉस्मिक खोज है, अंतरदृष्टि दी खोज है, सूखमवादी खोज है, एक मैक्रोकॉस्मिक खोज है, विस्थारवादी खोज है। तो दोहां पासे अगे तो अगे मनुख हद्दां ही मुका गया उस परमेश्वर दी दात बख्शिश नाल, के जो मैक्राकॉजम है, जो सूखमवादी खोज है, उस खोज के अनुसार मनुख जो सब तो सूखम तत् है सृष्टि की रचना का, जिसनों अणु कहा जाता एटम, उस तो भी अगे लंघ गया। वो अखीर जड़ा न्यूट्रॉन्स प्रोटोन्स इलैक्ट्रॉन्स तक पहुँच गया है, भाव सारी की सारी रचना जी है वह मूल रूप तरंगा तो लहर ही हैं, होर कुछ नहीं, इस हद तक पहुँच गया। तो दूजे पासे जदों विस्थारवादी खोज उसने की तो वह कित्थे तक पहुँचया, मंगल तक पहुँच गया, होर खंडा ब्रह्मंडा दियां गल्लां करदा पिया। तो ये कोई उदा विस्थार जड़ा है कितनिया तरह नाल होया, नाना विद कीनो विस्थार, कौन जान सकता उहदी गातमित। जो मनुख नूं थोड़ी समझ दित्ती है तो मनुख ने खोज की, उस मनुख दियां खोजां तो भी असीं हैरान होंदे पए हां, आम आदमी भी कमाल कीता इंसान ने भी, वाहिगुरु दित्ती हुई बुद्ध दा कितना सोहना कितना कमाल दा करिश्मा उन्हें दिखाया। तो कितने वखरिया वखरिया ढंगा नाल परमेश्वर ने अपना विस्थार किया, पर कमाल है प्रभ अपनासी एक हंकार, वो असल च है इको ही, आप ही आप है सारा कुछ, तो सारा कुछ कर रहा। तो आप पिंडा विच कई बार बाजीगरां दियां खेडां वेखियां मेलियां ते पंजाबी पंजाब दे विच, तो कमाल दियां खेडां खेडदे हन। तो कई शब्दों विच सतगुरां ने वाहिगुरु अकाल पुरख नूं एक वड्डा बाजीगर करके दस्या है। सोई राग विच गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तबे कोई कंकारा। जिस तरह बाजीगर कई तरह दियां बाजियां कई तरह दियां खेडां दिखांदा, वो कई तरह के रूप कई तरह के भेख बना लैंदा है,
कई तरह दियां बोलियां बोलदा है, एक्टिंग करदा है, पर अखीर जदों अपना बाहरला भेख अपना बाहरले जो कॉस्ट्यूम्स आ उतार दिंदा है तां वह इको ही बाजीगर दिसदा जिहड़ा शुरू विच इको ही सीगा। इस तरह परमेश्वर एक बड़ा बाजीगर है जो संसार दियां खेडां खेड रहा भांत भांत दियां, पर अखीर विच प्रभ अविनाशी एक अंकार, वह आप ही आप है, एक ही है जो यह सारियां खेडां खेडदा पिया है। नाना चलत करे खिनवाए, पूर रहो पूरन सब ठाए, वो जो सृष्टि दी प्रगट या प्रतख या साड़ी समझ गोचरी जो प्रक्रिया हो रही आ इस कुदरत दे विच, उसनु जो असी वेख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या जान सकते हैं, इस तों इलावा जो हो रहा वह तो वाहिगुरु आप जानता है, पर जो साड़ी समझ दे खेतर विच हो रहा है उहदे विच भी सानू महसूस हुंदा है कि कितने प्रकार के अलग अलग तरह के प्रोसैस चल रहे हैं। ये पौन पानी जो क्लाइमेट है, वैदर है, इहदियां कितनियां खेडां रोज़ इस धरती के मंडल उत्ते हुंदियां हन, तो इहदा कोई हद हिसाब है कितने तरह दियां अलग अलग खेडां परमेश्वर खेडदा पिया है, और खिन विच ही कुछ दा कुछ बना दिंदा। पर इन सारियां खेडां दे पिछे सूत्रधार वो आप ही है, डायरेक्टर वो आप ही है। भावें वो किधरे तूफान पैदा कर दिंदा है, भावें चक्करवात पैदा कर दिंदा साइकलोन, भावें भूचाल है, भावें किधरे राज पलटा हो गया, किधरे विद्रोह हो गया, कितने लड़ाइयां हो गई, वार छिड़ पईआं, पर इन सारियां पिछे असल जो सूत्रधार है वो आप परमेश्वर है। ऐसी वाहिगुरु की लीला का वर्णन सतगुरां ने अगे जाके किया इसे शब्द विच सोई राग दे विच। महाराज कहिंदे ने कमल रूप दृष्टियो बिन सायो, कता गयो कत ते आयो रहाओ। हे वाहिगुरु तेरे किहड़े किहड़े रूप का मैं बयान करा, कितना रूमां विच तू दृष्टिगोचर हुंदा नज़र आउंदा है फिर खत्म भी हो जांदा है, तू कित्थों आया सी कित्थे चला गया कौन जानदा है। जो भी संसार विच प्राणी आउंदे हन संसार दे रंग मंच उत्ते अपनियां खेडां खेडदे हन ते फिर संसार नूं छड़ के चले जांदे हन, ये सब वाहिगुरु दी खेड है, कित्थों आए सी कित्थे चले गए हु नोस। जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा। हुण जल विच समुंदर विच नदी विच कितनियां तरंगां उठदियां कोई गिनती उहनां दी कर सकदा। इस तरह इको ही समुंदर है, उहदे अनेकां तरंगां उठदियां पईआं, ते इको ही सोना है उहदे विचों कितने तरह के भूखण, कनक भूखण कीने बोरंगा, कितने तरह के वक्रे वक्रे जेवर ऑर्नामेंट्स सुनियारे बना के पेश करदे हन, कोई हद हिसाब हो सकदा है। बीज 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 देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते तो एकंकारा। कितनी बनस्पति है और कितनी तरह के बीज हैं, तो उन्हां विचों उस बीज दे विचों कितने तरह की बनस्पति पैदा होंदी है, कितने प्रकार की, तो उन्हां नूं फल पैंदे हन, तो फलां विचों जिहड़ा बीज पहला बीजिया सी उस बीज का पौधा बनिया, उहदा बिरख बनिया, उहदे फल फुल बने, ते अखीर जो फल जिहड़ा उहदे चों निकलिया फल उहदे विचों उही ओह बीज मुड़ के फिर। इस तरह वह परमात्मा ने अपने तो ही सारी सृष्टि बनाई, और इस सृष्टि का कितना भी विस्थार कर लईए, बेअंत विस्थार है इस सृष्टि का, पर अखीर जिस तरह गिटक है उस गिटक तो ही बिरछ बनिया सी, ते अखीर गिटक ही बच गई। उस तरह परमेश्वर का शक्ति उहदा नूर वह बच जाता, सारा संसार आवागमन दे विच पिया होया, पर वो आप सदा लई कायम दायम है। सहस कटा मैं एक आकाशो, कट फूटे ते उही प्रगासो। हजारां घड़े रख लो, उन्हां सारियां घड़ां विच विच अंदर झाक के पानी भर के अंदर देखो उहदे च आकाश नज़र आएगा, पर जो घड़े टुट जाण तां आकाश तां इक्को ही है। वो कई वक्रे वक्रे घड़ियां विच वक्रा वक्रा आकाश नज़र आउंदा सी, पर फुटण ते उन्हां दे टुटण ते आकाश तां इक्को ही रह गया। परम मोह परम लोभ मोह माया विकारो, परम छूटे ते अहंकारो। इस तरह
साड़ी नज़र दे उत्ते संसार दी मोह माया दा पर्दा छाया होया, परम दा पर्दा छाया होया, ते इस परम दे पर्दे हेठां इस संसार नूं वखरे वखरे रंगां ढंगां विच वेखदे हां असीं। पर जदों वाहिगुरू की बख्शिश होंदी है सानूं ग्यान हो जांदा है भ्रम छूटे ते इक अहंकार, वह भ्रम जदों छुट गया एक परमेश्वर ही दिसदा है, फिर होर कुछ रह ही नहीं जांदा। सो इस तरह नाल वाहिगुरू अकाल पुरख दा जो संसार दे रंग मंच उत्ते अलग अलग तरह के रूप रंग तमाशे हैं ये सब उसे दे हैं, ते वाहिगुरू अकाल पुरख के भगत जड़े हैं उस परमेश्वर के असल स्वरूप नाल हमेशा ही जुड़े रहिंदे हैं, ते सारे संसार नूं उस परमेश्वर दीआं खेडां दे रूप ही वेखदे हैं। वह कदे विचलित नहीं हुंदे, भावें कुछ पिया होवे, दुख आवे, सुख आवे, कुछ चंगा होवे, कुछ माड़ा होवे, वह हमेशा ही रब दे रंग विच रंगे रहिंदे हैं। सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने जदों बाबर दी कतलेआम वेखी ते उत्थे बड़ा भयानक दृश्य सीगा, शब्द भी महाराज ने बाणी च उचारे हैं, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवै तूर, महलां अंदर होंदियां हुण बहन न मिलन हदूर। जिहड़ियां राणियां महाराणियां राजकुमारियां महलां च बैठियां सी उन्हां दे सिर मुन दित्ते, उन्हां दे गल्लां विच धूड़ है, उन्हां नूं सिपाही बाबा दे सिपाही खिंची फिरदे हन, उन्हां नूं कोई अपने दरवाजे ते भी बहन नहीं दिंदा। पर इह सारे दा सारा उस वाहिगुरू की खेड है, जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला। गुरु नानक पातशाह का विश्वास नहीं डोलदा, उन्हां दा अखीर शब्द दी अंतम तुकां विच विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने खेड रचाई है वह आप इस खेड का संचालन करता है, वह वेख रहा है। सचड़ा साहेब सच तपावस, सचड़ा न्याओ करेगा मसोला, बई वह सच्चा मालक है, उहदा प्रताप भी सच्चा है, तो सच्चा इंसाफ करेगा। उन्हां दा फिर भी विश्वास नहीं डोलता और वह शब्द लम्मा है, बड़े विस्तार की मांग करता भी दस्या भी क्यों ये कुछ हालत इंसान की हो जाती है जदों परमेश्वर नूं भुल जाता। धन जोबन दोए बैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए। जे धन पदार्थ दे विच मनुख गणूंद हो गया, इस नूं सब कुछ समझण लग पिया, ते अखीर फिर दूतां नूं फरमाया ले चले पत गवाए। फिर जदों दूत आए, दुष्ट आए, उन्हां नूं हुक्म होया वो धन पदार्थ दे उत्ते जिहड़ा मनुख अपने आप बड़ा वड्डा बनिया फिरदा सी, कच्छां वजांदा सी पिया, अपनी ताकत दा प्रगटावा पिया करदा सी, वह फिर दुष्टां दूतां दे वस आ के ते परेशान ते दुखी होया। ते अखीर महाराज ने निर्णय कीता, अगों जे दे चेती है तां कायत मिले सदाए, भई पहला तो परमेश्वर दा सिमरन करिए तां कानू इहो जी सज़ा मिले। तो मनुख उही भरम दे विच पै गया, संसार दी मोह माया विच लीन हो गया, संसार दे धन पदार्थ नूं संसार दीआं माण इज्जत वड्याईआं नूं ही सच समझ बैठा, भटक गया, परमेश्वर तों दूर हो गया ते दुखी ते परेशान होया। तो सारी खेड वाहिगुरू दी है, वह वाहिगुरू हमेशा कायम है, भावें कितना भी जुल्म सितम होवे, कितनी भी अनेर गर्दी होवे, पर परमेश्वर दी सच दी जोत दा विनाश नहीं हो सकता। नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। अनेक तरह की बनतर उन्हें बना दिती, पर अखीर जिहड़े सच्चे हैं, सच्यार हैं, सच दे ढूंढाऊ हैं, सच दे जिग्यासू हैं, द सीकर्स ऑफ ट्रुथ हैं, उन्हां नूं सच की समझ आ जाती है। हरेक हनेरे विचों भी वह प्रकाश दी खोज कर लेंदे हैं, सच नूं लभ लेंदे हैं। सतगुरु फरमाउंदे हैं, वो अविनाशी बिनसत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुरपुरै होमै मलक धोई, कौ नानक मेरी परम गत होई। जिन्हों का विश्वास है वाहिगुरु के उत्ते वो इस गल नूं समझ लैंदे हन, भावें विविध भांत की सृष्टि है, विविध भांत दे इत्थे क्रियाचार हो रहे हैं, पर असल विच उस पिछे सारी खेड पिछे उस मालक दी शक्ति है। उन्हें ये सारी तरह की बनतर बनाई है और वो आप ही अपनी कीमत जानता है, कोई होर उसका मुलांकन नहीं कर सकता। वो वाहिगुरु खत्म नहीं हुंदा कदे, हमेशा उसका राज कायम रहिंदा है। जो सानू लगता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पर सारी उसकी खेड है। तो गुरु साहब कहिंदे ना को आवै ना को जाई, ये सिर्फ रंग मंच के उत्ते पात्र आते जाते रहते हैं, खेड तो जारी रहती है। तो जिहड़े गुरु के चरणों नाल जुड़े हुए हैं, गुर पूरा होमै मलक धोई,
कौ नानक मेरी परम गत होई। जदों गुरु के चरणों नाल जुड़ के होमें की मैल नूं धो दईए तां फिर सच्चाई की समझ आ गई तो फिर उच्ची सुची अवस्था प्राप्त हो गई, परम गति प्राप्त हो गई। तो इस तरह नाल संसार के इस अंधेरे विचों जिहड़ा जिग्यासु है उन्हें सच नूं प्रकाश नूं लभ के उहदे लाल लग के अपना जीवन प्रकाशमान करना है। सब कट तिसके सब तिसके ठाँ जप जप जीवै नानक हर नाम। जो भी ये संसार की रचना रची गई है इस सारी रचना विचों वाहिगुरु की जोत हर थां ते प्रकाशमान है। सारिया हिरदां विचों परमेश्वर आप वसया होया है, सारिया हिरदियां च उहदा ठिकाणा है। इस करके सारे पासे वाहिगुरु की लीला ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਇੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਇਤਿਆਦਿ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਭਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਫੋਰਮਸ, ਮੈਨੀ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਕਲਰਸ, ਮੈਨੀ ਆਰ ਦਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜ਼ਿਊਮਸ, ਐਂਡ ਯੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦਾ ਵਨ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਦਾ ਇਟਰਨਲ ਲਾਰਡ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। He performs his many plays in an instant. The perfect Lord is pervading all places. In so many ways, he created the creation. He alone can estimate his worth. All hearts are his and all places are his. Nanak lives by chanting the name of the Lord. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.